अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप चाहती हैं कि मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ रहूं? क्या करूं? वो रानी से सुबह शादी कर लूं मैं। बेटा, हमें कोई बीच का रास्ता देखना पड़ेगा, जिससे राधिका को कुछ ना हो और हमारे परिवार पे भी कोई आंच ना है। अब बीबीएम बेटा, वरना कल इस घर में शादी के पटाखे नहीं, गोलियों के धमाके होंगे। हमारे पास एक आइडिया है। अरे चलो, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? अपने मुन्ना की शादी में शामिल ना होना के चल। सब इकट्ठे खड़े हो जाओ। अब वर वधू को बुलाइए। वधू तैयार है। अरे वाह बहना, आज तो तू बड़ी प्यारी लाग रही से। वैसे दामाद जी कठे हैं? दूल्हे राजा भी रेडी हैं। रुकिए दामाद जी, पॉकेट में केस है तुम्हारे, जरा दिखाओ। रुमाल कहते हैं इसे। पसीना आ रहा था मुझे, इसीलिए पसीना पहुंचने के लिए चाहिए था। तुम्हें भी आ रहा है, तुम्हें चाहिए? अरे दामाद जी, शादी में तो अच्छे अच्छों के पसीने निकलाते हैं। चलिए बाबा जी, बहुत सारे मंत्रों की जरूरत ना है, हमारी बहना की जल्द से जल्द शादी करवाओ। ठीक। अब वर वधू एक दूसरे के गले में जयमाला डाल। पहले वधू वर के गले में जयमाला डालेगी। ये लो फूल, इन पे फूल डालना और तालियां बजाना। वर वधू के गले में वरमाला डालेंगे। चलिए चलिए दामाद जी, अब आपकी बारी, पहनाइए वरमाला। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कली,
कल हवन में हम ये पटाखे डाल देंगे और इसके धुएं और शोर के बीच में मैं निकल जाऊंगा राधिका को ढूंढने के लिए, और आप सब लोग परिवार के साथ छुप जाना। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता सब लोग छुपे के छुपे हुए रहना, ओके? पर देवर जी, आप देवरानी जी को ढूंढेंगे कहाँ? आपने नकली चाबी तो बनवा ली है, पर वो है कहाँ की? जो असली चाबी थी उसमें से चंदन की खुशबू आ रही थी और उस पे चंदन का टीका भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मंदिर की चाबी। और आप लोग ही सोचो ना, एक बाबा के लिए मंदिर से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? हाँ, लेकिन शहर में तो इतने मंदिर हैं, तू कहाँ जाकर ढूंढेगा? किसी आसपास के मंदिर में। क्यों? आसपास के मंदिर में क्यों? हाँ, exactly. गोलू जी, आप लोग ही सोचिए ना कि देवरानी जी का इतना वजन है, वो इतनी भारी है कि बाबा उनको ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। दिव्यम, प्रैक्टिकली बात तो सही है। गोलू भैया, ये सब छोड़िए, ये सोचिए कि हम कल पटाखे छुपाएंगे कैसे। ये ऐसे शेरवानी के अंदर अगर पटाखे छुपाए और वो जंगू मंगू ने अगर हमने चेक किया तो पकड़े जाएंगे। भाई, इसे कहाँ रख दे? इसको मंदिर में रख दे। ठीक है, चुप। जय माला। चलो चलो, हमें छुपना, चलो चली चलो। चली चली चाची चाची, ये क्या हो रहा है? भैया, ये सब इनकी चाल है, आप दिव्यम जी पे नजर रखिए। जो जाए वही जाए, वरना वरना कोई जिंदा ना बचेगा। कहाँ गए सब? भैया, जाइए और सबको ढूंढ कर लेकर आइए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आसपास के मंदिरों में जाके देखता हूं, पता करूं कि ये चंदन की खुशबू आ कहां से रही है। तुम फिकर मत करो राधिका, तुम्हारा दिव्यम तुम्हारे पास पहुंच कर रहेगा। दिव्यम जी, हम आप तक पहुंच कर रहेंगे। भगवान, इस राधिका के चक्कर में हमारे पूरे परिवार की बलि न चढ़ जाए। जी साची, वैसे ना हमारे पास एक आइडिया है। क्या क्या क्या? क्यों ना आप ही अपनी बलि चढ़ा दे, इससे उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, है ना? चुप करो तुम कली, तुम क्यों अपनी बलि चढ़ाया? तुम ना चढ़ा दो अपनी बलि, बढ़िया ही थी दुल्हनिया बनकर के सबके सामने। जी साची, पर हम चुप। जो भी जहां छुपा है चुपचाप बाहर आ जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं दिव्यम जी भाग तो नहीं गए? तुम सब उनको बाहर निकालो, हम अभी आते हैं।
यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राधिका को छुपा सकते हैं। सौ मीटर दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, हो सकता है वहां कुछ तो हो। हे माता रानी, प्लीज मेरी राधिका की रक्षा करना। अंदाजा सही तो नहीं? व्यायाम से पहले हमें मंदिर पहुंचना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।